हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास ट्वेल्थ मैथ्स स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो क्लास ट्वेल्थ मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूलोज के बारे में पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलोज के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन फॉर्मूलों का जो फॉर्मेशन है या फॉर्मेशन जो है वो टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई का फॉर्मेशन है, यानी जो हमारे फॉर्मूले लिखे होंगे यहाँ पर टी के प्लेस पर कोई इनवर्स कोई फंक्शन हमारा लिखा होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखा होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूलों को जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए है। इसी तरह सेकेंड फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए है, एंड सो ऑन। जो थर्ड फोर्थ फार्मूले हमारे कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए है, और क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 5 और 6 है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए है। ओके, यहां पर मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन वन। एंड सेकेंड फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर इक्वल देन वन है। तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लासरूम में पूछते हैं कि सर इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन क्या है। तो इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये डेरिवेशन अगर हमें इसका सीखना है तो इसके लिए हमें इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है ना। और इनवर्स फंक्शन आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं सर इनवर्स के ग्राफ जो है वो आप हमें बता चुके हैं, हमारा जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें मैंने ग्राफ बताए थे। तो फिर से इस बात को मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जो ग्राफ थे हमारे वो वाई इक्वल टू टी इनवर्स एक्स की ग्राफ थे, यानी इस तरह से थे। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी हमने जो ग्राफ की स्टडी की है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की स्टडी की है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो ग्राफ हमें आने चाहिए इन फॉर्मूलोज के लिए वो साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ्स आने चाहिए, इस फॉर्म के ग्राफ हमारे पास होने चाहिए, तभी हम इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन सीख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर वो हमें आपको बताना चाहिए, तो एक्चुअली ये लेक्चर जो हमारा है वो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, और एकेडमिक्स में सिर्फ हमें जो है वो फॉर्मूलों को मेमोराइज करना है, कहीं पर भी उसके एग्जामिनेशन में इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन या इन ग्राफ्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। इसीलिए मैं इस लेक्चर में आप लोगों को इसके ग्राफ्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आगे का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जी मेंस और एडवांस के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते उनके लिए रहेगा, और उस लेक्चर में हम इनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है या जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स जो इन ग्राफ्स के बारे में इन फॉर्मूलों के बारे में जानना चाहते हैं कि फॉर्मूलों का डेरिवेशन कहां से आया है, तो जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज होंगे वो आप जरूर जरूर देखें, जिससे कि आपको इनके डेरिवेशन के बारे में इसके बारे में आपको पता लगे। लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा हूं इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इन फॉर्मूलों को एप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चंस में अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो सेकंड कंडीशन है साइन इनवर्स एक्स, सेकंड फॉर्मूला जो हमारा है वो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए है, और साइन इनवर्स ये फॉर्मूला जो बन जाता है वो साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन के लिए मैं आपको बता दूं कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की जब आप फॉर्मूले याद करते थे क्लास 11th में, तो वहां पर उसका फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी या फिर साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता था, वहीं से ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए, अगर एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर यानी ए बी प्लस बी ए यानी कि वी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर उसी फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा लर्न करने में आपको आसानी होगी। इसी तरह से जब हम कॉस का फॉर्मूला याद करते थे तो वहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हुआ करता था। तो जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूलों की हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इन दोनों फॉर्मूले में ही कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, जो उसकी डोमेन है डोमेन की जो रेंज है वही यहां पर आप पुट कर सकते हैं, आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स वाई देखिए इनवर्स में भी आप याद रख सकते हैं, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस यूज हुआ है, लेकिन साइन के केस में अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस ही यूज हुआ है। फॉर मेमोराइजिंग इट इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए है, जो कि कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर है इफ एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल देन वाई, और सेकंड जो है माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर है इफ एक्स स्मॉलर देन
वाई। एंड नेक्स्ट फार्मूला फॉर टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, इस फॉर्मूले को आपको जरूर याद रखना है, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई को, क्योंकि जो बच्चे एकेडमिक्स स्टडी कर रहे हैं उसमें ये फार्मूला कई बार हमारा यूज होता है। ओके, तो ये फार्मूला हमारा है टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टेन ए प्लस बी की जो हमारी आइडेंटिटी होती थी वो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी हो सकती थी। तो वहाँ से इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पाई प्लस टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई है, और थर्ड आपका पाई बाई टू है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं एक्स वाई स्मॉलर देन वन। यहाँ पर जो एक्स और वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर वन से लेस है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और उसके बाद अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन अगर दिया गया आपको तो फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला पाई प्लस बाकी एडिटिव यही वैल्यू यहाँ पर अप्लाई होती है, और एक्स वाई इक्वल टू अगर वन दिया गया है तो ये वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हम एक्स वाई की वैल्यू ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें दिया गया है इसमें अगर हम वन पुट करते हैं तो ये वैल्यू टेन वर्स इनफाइनाइट हो जाएगी, और टेन वर्स इनफाइनाइट जो वैल्यू है वो आपके पाई बाई टू एंगल की होती है। फॉर मेमोराइजिंग इट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई के लिए है, जो कि इक्वल टू टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई दिया गया है। इन फॉर्मूलों को सबसे पहले आप याद जरूर करेंगे और उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट फॉर्मूले हमारा या नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है वो कैसे आपका पुट हो रहा है। देखिए अब जो का जो, और इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि जो अपने एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये वाले फॉर्मूले याद कर सकते हैं जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ। ये फॉर्मूलों का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपको करना ही है डेफिनेटली, और इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज होता है फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, और टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई के लिए ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम यूज होता है आपका, और सिमिलरली इसके लिए तो हमारा एक ही फॉर्मूला दिया गया है ये यूज होता है हमारा फॉर्मूला। तो जिनको फॉर्मूलों पर मैंने टिक किया हुआ है उन फॉर्मूल्स को अपने टिप्स पर कर लें और उनकी कंडीशंस को याद कर लें कि किस कंडीशन में ये यूज होता है, क्योंकि एकेडमिक्स के जितने भी बुक्स में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं, तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। अब मैं बात करता हूँ इसके अलावा कि अगर आपका जो फॉर्मूला नंबर वन है इसमें अगर हम y के प्लेस पर y इक्वल टू एक्स अगर हम पुट करते हैं, ओके, तो हमारा देखिए एक न्यू सेट ऑफ फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। वो न्यू सेट ऑफ फॉर्मूला क्या है कि अगर हम y के प्लेस पर x रखेंगे तो यहाँ पर साइन वर्स x प्लस साइन वर्स x डेफिनेटली ये बन जाएगा हमारा 2 साइन वर्स x। ओके, अब यहां पर अगर हम y के प्लेस पर x रखेंगे तो ये दोनों टर्म हमारे सेम हो जाएंगे, x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे दोनों टर्म्स को, आप अगर इसको समझना चाहें तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा, जो कि डेफिनेटली साइन वर्स 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस और जो कंडीशंस है, वाई स्क्वायर के प्लेस पर जब आप एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो इफ़ 2x square smaller than 1, और थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन 2, और इस इनक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू इस तरह से लिख दी जाती है। ओके, एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू के बीच में होगी तो हमारा जो फॉर्मूला टू साइन वर्स एक्स का होगा वो साइन वर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप वन बाई वन इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड फार्मूला हमारा जो है वो फार्मूला नंबर थ्री में वाई के प्लेस पर अगर हम एक्स वैल्यू पुट करते हैं, ओके, अगर हम वाई के प्लेस पर एक्स वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर वाई के प्लेस पर अगर हम एक्स पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि डेफिनेटली टू कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर बनेगा। और अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं वाई के प्लेस पर अगर हम एक्स रखेंगे, आप सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके लिए कंडीशन है ही नहीं कोई, तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का जो फॉर्मूला है वहाँ पर अगर वाई के प्लेस पर आप एक्स पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो बन जाएगा हमारा वो टू टेन वर्स एक्स हो जाएगा, ओके, इक्वल टू, अब हम वाई के प्लेस पर अगर एक्स पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो इट बिकम्स टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो कंडीशन हमारी है वो एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन वन की कंडीशन, ओके, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन अगर वन होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा जो फॉर्मूला है अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो पाई प्लस टेन वर्स, अगर सपोज टेन वर्स अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन होगा तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा पाई प्लस टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि अगर हम एक्स के प्लेस पर अगर एक्स वाई इक्वल टू हमारा या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन दिया गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा पाई बाई टू बन जाएगा।
ओके इसको आपको ध्यान रखना। तो ये न्यू सेट ऑफ फॉर्मूला अभी हमारा बन के तैयार हो गया, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x एंड 2 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा हुआ था। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा दो फॉर्मूले मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ 2 tan इनवर्स x के, जो टू फॉर्मूले और हम यूज करते हैं वो डायरेक्टली अगर आपके टिप्स पर होंगे तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो दो फॉर्मूले हमारे जो हैं वो 2 tan इनवर्स x, एक तो हमारा sin इनवर्स के टर्म्स में है और एक हमारा cos इनवर्स के टर्म्स में। ओके sin इनवर्स के टर्म्स में 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है और कंडीशन यहाँ पर जो है x स्क्वायर स्मॉलर एंड इक्वल देन 1 होना चाहिए और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये कंडीशन है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन आपकी 0 होनी चाहिए। तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, लर्न होंगे, तो क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी होगी, अदरवाइज हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से। ओके ये तो बात हुई हमारी कुछ फॉर्मूलों की। इसके अलावा मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताए थे, तो वो फॉर्मूले भी अगर आप रिकॉल करते हैं या वीडियो देखते हैं उसको जाके, तो वहाँ पर भी उसको एक पेज पर सारे के सारे फॉर्मूले लिख लें। तो ये तो बात हुई हमारे सारे फॉर्मूले की। कई बच्चे क्या पूछते हैं सर ये रेस्ट्रिक्शंस और ये कंडीशंस क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए कि ये कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि वो हम कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस जो लिखते हैं उसका एक्चुअली जो मीनिंग है या लॉजिक जो है वो क्या है। ओके यहां पर डिस्कस, मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि अगर बाहर टी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, यहां पर कोई टी इनवर्स एक्स का मतलब यहां पर साइन लिखा हुआ है सपोज दैट, और यहां पर साइन इनवर्स एक्स है, तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स, ये हमेशा एक्स के इक्वल वैल्यू होती है। बट अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि अगर टी इनवर्स टी एक्स लिखा हुआ है तो ये x हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हमेशा x के इक्वल नहीं होगा। इट मे बी ये हो भी सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका कि जो यहाँ पर हमने यहाँ पर tx की जो वैल्यू ली है या फिर x की जो वैल्यू ली है वो क्या ली हुई है। तो इसीलिए इसी बेसिस पर यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है। आपने जितने भी फार्मूले अभी तक लिखे हुए हैं आप देख रहे होंगे वो सारे इनवर्स के फार्मूले हैं, यहाँ पर tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती है। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता दूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पर sin इनवर्स लिखा, ओके, और sin पाई बाई थ्री यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है और ये पाई बाई थ्री के इक्वल लिख लिया, बिकॉज जो पाई बाई थ्री वैल्यू हमारी है जो इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू उसमें लाई कर रही, वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से करें यहाँ पर हम साइन बस साइन टू पाई बाई टू पाई प्लस पाई बाई थ्री अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो इज नॉट इक्वल टू टू पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये इसके इक्वल नहीं होगी। उसका रीजन है कि टू पाई प्लस पाई बाई थ्री जो है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से मैच नहीं करती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो आप इसको देखिए सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। साइन बस साइन टू पाई प्लस पाई बाई थ्री डेफिनेटली साइन पाई बाई थ्री होगा और बाई दिस फॉर्मूला, और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर हम इसको करते हैं यहाँ से देखिए, साइन बस साइन पाई बाई थ्री 60 होगी, इसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो जाएगी और रूट थ्री बाई टू से वैल्यू फिर इसकी 60 के इक्वल होगी, 60 का मतलब पाई बाई थ्री, यानी जो इसकी वैल्यू है वो पाई बाई थ्री के इक्वल आ रही है। यानी मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर अगर जो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच से अगर मैच करेगी, ठीक है ना, जो आपकी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें अगर वेरीफाई करेगी, देन वी कैन राइट ओनली टी इनवर्स टी एक्स इक्वल टू एक्स, अदरवाइज नॉट। तो जो इनवर्स के केस हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए वो प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करनी चाहिए। तो जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी जो साइन बस के बाद जो अंदर वैल्यू लिखी होगी एक्स के प्लेस पर, वो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करनी चाहिए। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंटली, जब भी ये फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है हमारी वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर किसी केस में ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो हम उसको निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिखे हुए थे, वो आप फॉर्मूले सारे एक बार एक पेपर पर नोट कर लें, सारे फॉर्मूले उसको मेमोराइज कर लें, लर्न कर लें, और उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखिएगा आप उन फॉर्मूलों की हेल्प से उन क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके तो यहां पर हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो मैंने लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को बताए थे, मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ वो सारे के सारे फॉर्मूले कि जो आपका साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है देन नथिंग प्रॉब्लम, इनवर्स के केस में अगर जो हमारा डोमेन है वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसानी से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहाँ पर साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, सपोज
ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें बस इतना चेक करना है इसमें, डेफिनेटली दिस इज एन इक्वल टू एंगल, एंगल के इक्वल होगा, और वो एंगल क्या होगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू रूट 3/2 हो जाती है। तो ऑब्वियसली 60 और 60 को हम π/3 लिखते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये वैल्यू निगेटिव अगर है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों को लिख दे रहा हूँ जो कि मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो वो फॉर्मूले क्या है, देखिए साइनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइनवर्स, यानी अगर कभी भी वैल्यू जो है नेगेटिव है आपकी तो उसको पहले माइनस साइनवर्स एक्स के फॉर्मूले से उसको पॉजिटिव बना लेंगे। सिमिलरली इसी तरह से आपका कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स अगर दिया गया है तो ये भी आपका माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और थर्ड फॉर्मूला जो आपका है वो टेन के लिए है, टेन वर्स अगर माइनस एक्स है तो वो भी आपका माइनस टेन वर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर निगेटिव वैल्यूज हैं तब हम ये फार्मूले यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड जो हमारा सेट है वो कॉस इनवर्स के लिए है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आप लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका सेक इनवर्स जो है सेक इनवर्स माइनस एक्स भी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स sec इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड जो फॉर्मूला आपका है यहाँ पर वो cot इनवर्स के लिए, तो cot इनवर्स माइनस x भी आपका जो है वो पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। तो ये तो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया जो कि मैंने लेक्चर नंबर वन में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसके बाद ये फॉर्मूले और आप याद कर सकते हैं, sin वर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसका मैंने डेरिवेशन भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट आपका tan वर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका sec और cosec का रिलेशन होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये भी यहाँ पर x की वैल्यू जो आपकी -1 से 1 लाई करेगी, ये डोमेन है आपका, और यहाँ पर x की वैल्यू रियल नंबर से लाई करेगी, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन 1 टू इनफाइनाइट लाई करती है। तो इसको भी आप लोगों को जो है वो याद रखना है। ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेने वाले हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को जो है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, उनकी हेल्प से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्वेश्चन हमारा है टेन वर्स 1/2 प्लस टेन वर्स 2/11 इक्वल टू टेन वर्स 3/4। ये हमें वेरीफाई करना है। इजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो हमारी आइडेंटिटी या जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है वो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई के लिए बन रहा है। टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई के मैंने बताया दो फॉर्मूले थे आपके। एक तो पहला फॉर्मूला था टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x/y, और सेकंड फॉर्मूला जो था वो पाई प्लस टेन वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x/y था। तो मैंने पहले ही बताया था इन जनरल जो बच्चे एकेडमिक्स की स्टडी कर रहे हैं उनमें जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है वही अप्लाई होता है। लेकिन हमें रेस्ट्रिक्शंस भी ध्यान रखना है कि जो एक्स वाई जो एक्स और वाई के प्लेस पर जो नंबर्स हमारे लिखे होंगे उनका मल्टीपल जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, और अगर वो ग्रेटर देन 1 होता तो हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड टेन वर्स 1/2 प्लस टेन वर्स 2/11। यहां पर हम चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, देखिए 1/2 इंटू 2/11 डेफिनेटली 1/11 और ये लेस देन 1 है, यानी कि जो x और y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारा होगा टेन वर्स x प्लस टेन वर्स y के लिए, क्योंकि डेफिनेटली टेन वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x/y होगा। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस है हमारे लिए, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू टेन वर्स x के प्लेस पर 1/2 प्लस y के प्लेस पर 2/11 अपॉन 1 - 1/2 इंटू 2/11। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, टेन वर्स ये आपका 11 प्लस 4 अपॉन ये एलसीएम जो 22 आएगा, इसका भी एलसीएम 22 आएगा, ये सिंप्लीफाई होकर कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये 22 - 2 तो 10 बस इट बिकम्स 15/20, और 15/20 इट मींस 10 बस 3/4 और इट विल बी अवर राइट हैंड साइड। ये हमारी राइट हैंड साइड है, देखिए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से हमारी सिंप्लीफाई हो गया ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि हमें सिंप्लीफाई करना है, टेन वर्स कॉस एक्स अपॉन 1 - sin x। देखिए सिंप्लीफाई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी इनवर्स के
क्वेश्चंस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के क्वेश्चन अगर सिंपलीफाई करने हैं तो उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर ये जो फॉर्मूला ऑफ सेट जो हमारा है वो ये अप्लाई होता है टी इनवर्स, अगर बाहर टी इनवर्स लिखा हुआ है जो भी इनवर्स के क्वेश्चन है तो अंदर भी हमारा टी होना चाहिए, टी थीटा और टी एक्स वाट एवर जो भी लिखा हो यहाँ पर, और ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये थीटा बन जाता है हमारा। ये जो हमारा है ये फॉर्मेशन यूज होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो लिखा हुआ है, कुछ बच्चे शायद हो सकता है इस बात को नहीं समझ पाए हों तो मैं अभी इसको और ज्यादा डिस्कस करता हूं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहां पर है वो टेन वर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन से इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर लूँगा कि ये जो एक्स की वैल्यू है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्यों है। इसका जो लॉजिक होता है मैंने आपको बताया था कि टी इनवर्स टी थीटा इक्वल टू हम थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू टी इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच से मैच अगर करती है, यानी कि उसको अगर वेरीफाई करेगी देन वी कैन राइट ओनली टी इनवर्स टी थीटा इक्वल टू थीटा। तो इसको ध्यान रखना है, जो रेस्ट्रिक्शन है एक्चुअली जो हमें जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं वो इसीलिए दे रखे हैं कि ये जो वैल्यू है इस रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करेगी। चलिए जब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा अभी सिंप्लीफाई करूंगा जब यहाँ पर आपका बन जाएगा नंबर सिंप्लीफाई होकर, उसके बाद मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको कि एक्चुअली वो क्यों लिखा हुआ है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग होगी इस क्वेश्चंस के लिए या इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वो आपको अच्छे से समझ लेना कि अगर बाहर टी इनवर्स लिखा हुआ है और इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो टी इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है इसको भी आपको टी एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके टी इनवर्स टेन सॉरी टी टेन एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये टेन वर्स टेन एक्स हो जाएगा तो ये इक्वल टू एक्स हो सकता है अगर एक्स की वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच से आपकी मैच कर रही है। तो जो हमारे इस तरह के क्वेश्चन में जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी वो इसी तरह की होगी। ओके, तो यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है हमें फॉर्मूले अप्लाई करके, और उसके बाद जो है वो इक्वल टू टेन एक्स लेकर आना है, और उसके बाद टेन वर्स टेन एक्स जो हो जाएगा वो आपके एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी इस तरह के क्वेश्चन के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग है, इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सोचते हैं। तो चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम टेन वर्स। इसके लिए आपको क्लास 11 से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो फॉर्मूले थे वो आपको रिकॉल करने पड़ेंगे, अगर याद नहीं है तो उनको याद आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए यहां पर मैं बात करूं कॉस एक्स या कॉस थीटा, इसके लिए हमारे पास दो तीन या शायद चार फॉर्मूले थे। हमारे पास एक फॉर्मूला था कॉस थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सेकेंड फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। यहां पर मैं लिखकर भी दिखा देता हूं आपको, एक फॉर्मूला ये लिखते थे हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू, सेकंड फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टू ये था, थर्ड फॉर्मूला आई थिंक टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू था इस तरह से, और एक टेन में भी शायद फॉर्मूला हमारा था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब हमें कौन सा फॉर्मूला इसके लिए चूज करना है या सिलेक्ट करना है ये भी हमें ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो जो कॉस एक्स का फॉर्मूला फिट करने से पहले हम डिनोमिनेटर को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि न्यूमरेटर में हमें कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए जरा, जो साइन एक्स है हमारा टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू, क्लास इलेवंथ में ये फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस भी किए थे, और वन के प्लेस पर हम लोग जो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और माइनस साइन एक्स के प्लेस पर टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अब हम बात करते हैं इसको भी अगर हम और ज़्यादा अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वी कैन राइट हियर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, या फिर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू बन रहा है तो यहाँ पर एक सिंपल एक फॉर्मूला है जो न्यूमरेटर को भी न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं जो कि उससे मैच करेगा, उसको सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। अगर हम ये और ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन साइज जो है वो आउट ऑफ द ट्रैक जा सकती है या चली जाएगी, या कैलकुलेशन में अदर वर्ड्स में ही भी कह सकता हूं कैलकुलेशन जो हमारी है वो लेंदी भी हो जाएगी। ओके, तो यहां पर जो न्यूमरेटर के लिए हमें कॉस एक्स के लिए जो फॉर्मूला मिला है वो फॉर्मूला मिला है यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारा टेन बस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम आइडेंटिटी यहां पर लगाते हैं तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, और डिनोमिनेटर हमारा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हम यहाँ से कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये टेन वर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू
माइनस साइन एक्स बाई टू, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें ये फॉर्मूला जो दिया गया है इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ये कई बार ये फॉर्म जो है वो बार बार यूज होती है। यहाँ पर एक बार मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ इस फॉर्मूले के बारे में, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऊपर वाले स्टेप जो है वो थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ, नीचे चला जाएगा तो बोर्ड में जो एरिया है बोर्ड के एरिया से बाहर चला जाएगा, ये आपको दिखेगा नहीं वहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप जो है वो इरेज करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ। इसमें देखिए जो फॉर्म ये हमारी लिखी हुई है वो कॉस थीटा, इसको आप याद कर लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की फॉर्म है ये, अगर आपको याद हो फॉर्मूला। चलिए अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है वो टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर अगर प्लस लिखा हुआ है तो ऊपर प्लस आ जाएगा और ऊपर अगर माइनस है और नीचे प्लस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ये वाला जो साइन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस और माइनस यूज करते हैं। ऊपर प्लस अगर नीचे माइनस है तो प्लस हम यूज करेंगे और ऊपर माइनस और नीचे प्लस है तो फिर हम माइनस यूज करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से बन जाता है तो वो देखिए, जो फॉर्मूला जो है यहाँ से अगर हम कॉस कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉस थीटा अगर हमने कॉमन लिया तो वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर तो कॉस नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई वाला टर्म कॉमन हो जाता है और डिवाइड वाले टर्म से ये टेन थीटा यहाँ पर बन जाता है। सिमिलरली इसी तरह से कॉस थीटा का डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो वी कैन राइट दिस वे, ये कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद वन के प्लेस पर हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं प्लस टेन थीटा अपॉन यहाँ पर वन माइनस ये टेन पाई बाई फोर टेन थीटा, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप टेन बाई बाई पाई बाई फोर की वन अगर वैल्यू पुट करते हैं तो फिर से हमें जो है वो यही वाला स्टेप मिल जाएगा। और ये जो आइडेंटिटी है वो टेन ए प्लस टेन बी और वन माइनस टेन ए टेन बी की आइडेंटिटी है, जो कि हमारी यहाँ पर टेन ए यानी ए के प्लेस पर पाई बाई फोर और प्लस थीटा के प्लेस पर यहाँ पर थीटा आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर है तो यहाँ पर आपका टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, और अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर माइनस ये बन जाता है। ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए कि कई बार हम ये फॉर्मूला जो है बार बार अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में भी ये फॉर्मूला जो है वो यूज होता है कई बार। ओके, यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन राइट टेन पाई बाई फोर और थी प्लस है तो प्लस आ गया और थीटा के प्लेस पर यहाँ पर एक्स बाई टू लिखा हुआ है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका टेन वर्स टेन थीटा, मैंने आपको बताया था ये पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, बट कंडीशन हमारी ये थी जो कि राइट हैंड साइड तो नहीं सिंप्लीफाई, बट कंडीशन जो हमारी थी वो ये थी कि पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू जो है वो टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है उससे मैच करनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, वैसे तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और उनमें उनके अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो जो आपका आंसर आता है उसको आपको वेरीफाई भी कराना पड़ेगा कि यहां पर जो वैल्यू है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच से वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, और जो रेस्ट्रिक्शंस यहां पर जो लिखी हुई है। एक्चुअली कई बार बच्चे जब क्लास में लेते हैं बोले सर इसका तो कहीं यूज हुआ ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, ये क्यों लिखा हुआ था, इसका सर क्या मतलब होता है, तो वही मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए कि एक्स जो हमारा है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बिलोंग कर रहा है। ओके, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू है, तो सबसे पहले हम टू का डिवाइड करते हैं यहाँ पर एक्स बाई टू जनरेट करने के लिए, तो एक्स बाई टू हो गया, यहाँ पर पाई बाई फोर हो गया, और फिर आप बोथ साइड्स यहाँ पर आप पाई बाई फोर को जो है वो प्लस कर सकते हैं। जैसे ही हम प्लस यहाँ पर करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा हमारा, ये पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा और ये हमारा पाई बाई टू हो जाएगा, यानी इस ये वैल्यू जो है वो जीरो से पाई बाई टू दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे लाई कर से, सो दैट्स वाई ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करती है और इसीलिए इसकी वैल्यू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू यहाँ पर हो जाती है। ओके, ये क्वेश्चन शायद आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि सिंप्लीफाई करना है आपको, कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं, इसको भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा दूंगा कि ये कैसे वेरीफाई करते हैं रेस्ट्रिक्शंस को। कॉट इनवर्स इसमें भी जो हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग होगा क्वेश्चन का वो देख लीजिएगा, वो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, ये लिखा हुआ है, फिर से हम आपको बताते हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने की जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग या जो अप्रोच है वो किस तरह की होनी चाहिए। अगर यहाँ बाहर कॉट इनवर्स है तो डेफिनेटली अंदर कॉट थीटा या कॉट एक्स यहाँ पर होना चाहिए, ये वैल्यू जो है वो कॉट एक्स की होनी चाहिए। बट यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा एलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, एलजेब्रिक फंक्शन से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इट्स ट्रू। तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम आपको बता दें यहाँ पर जो इस फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल लिखा होगा, जो डोमेन होगा एक्स, हम उसके प्लेस पर क्या करेंगे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं उनमें से कोई एक जो इसको सिंप्लीफाई कर दे यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई में अगर कभी भी रूट के टर्म्स लिखे
रखे हों तो वहाँ पर सबसे पहले हम रूट को सिंप्लीफाई, भाई देखिए वन तो वन है, वन को क्या सिंप्लीफाई करना, ऑब्वियसली हमारा जो टर्म सिंप्लीफाई होगा वो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सिंप्लीफाई होगा। तो एक्स के प्लेस पर ऐसा हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पुट कर सकते हैं जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपको ध्यान होगा कि सेक है यहाँ पर, हम सेक और कॉसेक रख सकते हैं। अगर हम सेक थीटा रखते हैं यहाँ पर तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो कि आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर हम कॉसेक रखते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो कि हमारा कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और रूट यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा से अगर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं जो कि कॉट थीटा बन जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो बनाना है वो अंदर कॉट बनाना है, आपका जो है कॉट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखें। कॉट का मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर में आपका जो टर्म्स बनना चाहिए वो वन अपॉन टेन यहाँ पर होना चाहिए, और टेन का मतलब टेन कब बनेगा ये टर्म हमारा, जब हम एक्स के प्लेस पर सेक पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट या पुटिंग एक्स इक्वल टू सेक थीटा, तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हम जो है एक्स के प्लेस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पुट करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर टू और थ्री की यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंपेयर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम क्वेश्चन हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस क्वेश्चन में जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो टेन वर्स कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, यानी लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी क्या थी कि हमें टेन वर्स जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू लेकर आनी है वो यहाँ पर टेन एक्स लेकर आनी है। तो यहाँ पर जो अंदर जो फंक्शन लिखे हुए हैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हमें एक्स के प्लेस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमें इसको कॉट एक्स में कन्वर्ट करना है तो ये भी तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, तभी तो हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ही नहीं, ये तो हमारा एलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। अगर इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो आप ध्यान रखिएगा जो हमारा एक्स या जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा होगा उसके प्लेस पर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पुट करेंगे, जो हमारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनमें से कोई एक हम रखेंगे यहाँ पर। अब अगर हम उसको रखेंगे तो वो हमारा क्या तरीका क्या होगा, तो वो आपको वन बाई वन चेक करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है वो किस तरह की फॉर्म लिखी हुई है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखने से वो हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन था तो वी हैव टू ऑप्शंस, सेक थीटा और कॉसिक थीटा की, सेक भी रख सकते थे और कॉसिक भी रख सकते थे, बट ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पर टेन जनरेट करना था या फिर यहाँ पर टेन जनरेट करना था, तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में टेन सॉरी कॉट जनरेट करना था तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा क्या आना चाहिए, टेन आना चाहिए, और टेन के लिए हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा जब हम पुट करते हैं तो इट बिकम्स वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि डेफिनेटली आपका कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और वन अपॉन टेन थीटा दैट मीन्स कॉट इनवर्स कॉट थीटा, और इट विल बी थीटा यहाँ पर बन जाएगा। बट थीटा के टर्म्स में आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि जो आपकी ओरिजिनल जो यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एक्स के टर्म्स में, और थीटा आपने जो है वो लेट किया हुआ वेरिएबल है, तो इसके टर्म्स में आंसर कभी लिख ही नहीं सकते हम लोग। तो थीटा को फिर से हमें सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर गोइंग टू जहाँ पर हमने लेट किया था वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से थीटा इक्वल टू बाई द डेफिनेशन सेक को अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम्स सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर सेक इनवर्स एक्स, दैट मीन्स जो इसका सिंप्लीफिकेशन, यानी अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हम इसको sec इनवर्स x जो है वो लिख सकते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इन दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या डिफरेंस है ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है यहाँ पर, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स टू एक्स इक्वल टू टेन वर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, अगर राइट हैंड साइड इसको लेते हैं तो हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह से होगी हमारी, कि टेन वर्स है तो अंदर हमें टेन बनाना है यहाँ पर, और टेन बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक्स के प्लेस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पुट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रखने से यहाँ से हमारी आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है, बन जाती है। और अगर हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं तो यहां पर tan वर्स x प्लस tan वर्स y की जो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर मैं इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, और राइट हैंड साइड से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप आसानी से tan वर्स x, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिटी यहां पर लगाई थी, तो वो tan वर्स x प्लस tan वर्स y की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बच्चों को ये होता है कि सर हमारे पास तो tan वर्स x प्लस tan वर्स y की दो आइडेंटिटी है, तो कौन सी हम आइडेंटिटी लगाएंगे? तो बट ऑब्वियस है कि यहां पर वेरिएबल दिया गया, तो पहली वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे एक्चुअली x और 2x का जो मल्टीपल है वो स्मॉलर देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, वो tan वर्स x + tan वर्स y = tan वर्स x + y अपॉन 1 - xy, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं देन वी कैन चेक कि इसका जो मल्टीपल है वो स्मॉलर देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो यहां पर
मुझे लगता है कि शायद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, तब ये सिंप्लीफाई होगा। ओके नो प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को हम जो है वो राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर राइट हैंड साइड। ओके टेन वर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके यहाँ पर x के प्लेस पर ऑब्वियसली जो लाइन ऑफ थिंकिंग होगी हमारी, जो मैंने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में, ये एल्जेब्रिक है और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने के लिए x के प्लेस पर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो लेट करना पड़ेगा। आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर हम x के प्लेस पर 10 पुट कर देते हैं तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका 10 3 थीटा। और यहाँ पर 10 वर्स है, 10 इनवर्स अंदर भी 10 3 थीटा आपका बन गया है, तो आसानी से हमारा जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट या पुटिंग जो भी आप लिखते हैं x इक्वल टू 10 थीटा, आगे चलकर हमें जो है वो थीटा को 10 वर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर ही थीटा इक्वल टू 10 वर्स x जो है वो लिख सकते हैं। ओके इट विल बी 10 वर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ इट विल बी ये आइडेंटिटी जो हमारी है, ये जो फॉर्मूला हमारा जो है वो tan 3 थीटा के लिए है और ये आपका क्या बन जाएगा 3 थीटा, और 3 थीटा का मतलब 3 tan वर्स x, बट लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें नहीं चाहिए ये 3 tan वर्स x, तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है। राइट लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो एक टर्म हमारा tan वर्स x का भी है, तो 3 tan वर्स x को 10 वर्स x बाहर कर लिया, अब हमारे पास क्या बचा 2 tan वर्स x। अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड अभी भी जनरेट नहीं हुई है, यहाँ पर टेन वर्स एक्स को मिल गया बट यहाँ पर क्या है टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी नो दैट ये जो आइडेंटिटी हमारी जो है टू टेन वर्स एक्स की वो टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि टू टेन वर्स एक्स की आइडेंटिटी टेन वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखिएगा अगर ये साइन वर्स लिखना होता हमें तो साइन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट अगर टेन में है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे एक्चुअली मुझे याद आ गया यहाँ पर बच्चे एक्चुअली कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या होता है वो वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर में ध्यान नहीं देते, कभी वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और कभी वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखना इन टर्म्स ऑफ साइन वर्स इट विल बी डिनोमिनेटर विल बी वन प्लस एक्स स्क्वायर और इन टेन इनवर्स इट विल बी वन माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूं। ओके इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन है हमारा टू टेन वर्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लस टेन वर्स वन अपॉन सेवन, ये आइडेंटिटी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में भी आपको टेन वर्स बनाना है। अच्छा यहाँ पर क्या जो हमारे पास फॉर्मूला है वो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई के लिए, और यहाँ पर क्या है टू है, तो ये तो टेन वर्स नहीं लिख सकते हैं आप, टू का अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द फॉर्मूला टू टेन वर्स एक्स, टू टेन वर्स एक्स का जो फॉर्मूला है हमारा वो अगर हम टेन में कन्वर्ट करते हैं, टेन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई की आइडेंटिटी लग जाती है, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो इससे ये आपका जो है वो टेन वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा और ये भी टेन वर्स आपका वन अपॉन सेवन दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी यूज द फॉर्मूला टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, उससे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन दोनों का और चेक करिएगा कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है आपका स्मॉलर देन वन है या फिर ग्रेटर देन वन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो क्या है। ये देखिए टेन वर्स सिंप्लीफाई इसको भी करना है, सेम लाइन ऑफ थिंकिंग रहेगी हमारी, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ओके सिंप्लीफाई करना, फिर से लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी वही है, टेन वर्स है, अंदर आपको टेन बनाना है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होने चाहिए जो कि ऑलरेडी है, तो हमें एक्स के प्लेस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो नहीं रखना पड़ेगा। ओके और ये फॉर्मूले आप लोगों को क्लास 11 से अगर ध्यान हो तो बहुत टिप्स पर रहते थे आपके ये फॉर्मूले, और अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए कि वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा जहाँ पर भी आपको दिख जाए, ये दोनों फॉर्मूले का यूज ना एक्चुअली उसमें इंटीग्रेशन में भी बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिकल तो मैं कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री थ्रू आउट आपका पूरा मैथ्स में यूज होती है, तो उसके फॉर्मूले तो आप कहीं पर क्लास 11 से सारे फॉर्मूले एक पेपर पर एक पेज पर कहीं पर अच्छे से लिख लें उसको, और जहाँ पर भी आपकी जो स्टडी टेबल है वहाँ पर सामने जो वॉल है उस पर पेस्ट कर लें और उसको देखते रहें याद करते रहें, क्योंकि वो फॉर्मूले जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद होंगे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में हमें उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अदरवाइज क्या होगा कि जब हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो यहां पर कौन सी फॉर्म बन रही है या क्या होगा वो सब पता नहीं लगता है और हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। वन माइनस कॉस का वन प्लस कॉस का मैं बता दे रहा हूं, माइनस अगर है तो ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहां पर जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, अगर टू थीटा लिखा हुआ तो यहां पर थीटा आ जाएगा, और अगर प्लस है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूले जो है वो आप लिख सकते हैं। ओके तो यहां पर टेन वर्स
आपका जो बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर प्लस है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये 10 बस, ये बन जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस यानी 10x/2 और इट विल बी x/2, यहाँ पर ये x/2 आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि x स्मॉलर देन पाई, इसका मीनिंग वही है कि 10x/2 इक्वल टू x/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कैंसिल तो नहीं होता है बट प्रॉपर्टी है आपकी ये कि अगर आपका x स्मॉलर देन पाई है तो ऑब्वियस सी बात है x/2 हमारा जो होगा पाई बाई 2 से स्मॉलर हो जाएगा। पाई बाई 2 से स्मॉलर होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो ऑलरेडी रहती है या फिर वेरीफाई करती है, तो उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, ये हमारी बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6 की। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने ये फॉर्मूला जो है अभी आपसे शायद डिस्कस किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में, देख सकते हैं आप रिवाइंड करके, ये 10 बस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, यही फॉर्म थी आपकी, कोई भी चेंज नहीं था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैंने आपको बताया था अगर ये फॉर्म है तो ये 10 में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं 10 पाई बाई 4, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस और एक्स है तो एक्स, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, कैंसिल नहीं होता है, प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना। जब ग्राफ्स आप स्टडी कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या है आपका या कैसे लिखते हैं, 10 वर्स 10 एक्स का ग्राफ पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाउ वी कैन राइट इट पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो उसके लिए मैंने आपको जो है वो ट्रिक बता दी अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आगे जो लेक्चर होंगे उसमें हम इनके ग्राफ्स भी स्टडी करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट अगर मैं इस लेक्चर में इसके ग्राफ डिस्कस करता हूं तो लेक्चर ना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा एकेडमिक्स के बच्चों को ना प्रॉब्लम भी हो जाती है कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो कभी एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं या फिर क्वेश्चन नहीं आते हैं इस तरह के, ना इंडिविजुअल आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, हम आपको बता दें, और यहां पर जो कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस भी आपको दी जाएंगी वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच को वेरीफाई करते हुए दी जाएंगी, तो हम डायरेक्टली, कई बच्चे क्या होते हैं इसको डायरेक्टली लिख देते हैं या हम लिख सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड करना है हमें यहां पर इसको, फाइंड का मतलब कि इसकी वैल्यू जो है, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पर, 10 वर्स 2 कॉस 2 साइन वर्स 1/2, ठीक है ना, यहाँ पर इसको फाइंड करना है आपको। देखिए अभी तक क्या थे वो सिंप्लीफाई थे, और सिंप्लीफाई में वहाँ पर वेरिएबल एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पर पर्टिकुलर एक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके रियल नंबर्स या नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर फाइंड वर्ड यूज किया हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो बॉडमास रूल से जो आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो इंटरनल आपका ब्रैकेट जो अंदर वाला ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर वाले ब्रैकेट पर आते हैं। ओके, तो ये 2 कॉस साइन बस 1/2 डेफिनेटली एक एंगल होगा, और वो क्या एंगल होगा, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 यानी पाई बाई 6, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इसको हम, 10 बस ये 2 कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाता है 60, और 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ पर हो जाती है, तो 2 × 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, इट विल बी 10 वर्स 1, और 10 वर्स 1 आपकी जो है वो पाई बाई पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बोला है आपसे कि पॉजिटिव अगर वैल्यू है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 तक एंगल लाई करता है, उसको बड़ी आसानी से आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं फॉर दिस वीडियो, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि सिंप्लीफाई करना है। 10 वर्स, देखिए यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ये ठीक है ना, एक्स और वाई, तो सिंप्लीफाई वर्ड यूज़ किया गया, साइन वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 10 बनना चाहिए, और ये 2 भी कैंसिल होना चाहिए उससे, वो हो जाएगा जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, जब 10 यहाँ पर बनेगा तभी। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या, अच्छा यहाँ पर 10 1/2 लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पर 10 इनवर्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं फिर तो हमें, यहाँ पर 10 1/2, ये जो आइडेंटिटी आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आइडेंटिटी हमारी 2 10 वर्स एक्स की आइडेंटिटी है, 2 10 वर्स एक्स, अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने 2 10 वर्स एक्स की 3 आइडेंटिटीज आपको लिखाई थी, पहली आइडेंटिटी थी आपकी 10 वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड 2 10 वर्स एक्स की जो आइडेंटिटी थी हमारी वो आइडेंटिटी थी साइन इनवर्स 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड जो आइडेंटिटी थी हमारी वो कॉस इनवर्स के टर्म्स में थी, 2 10 वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये आइडेंटिटी हमारी जो बन जाएगी वो 2 10 वर्स y के लिए हो जाएगी, ओके, 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, ये आपका 1/2 × 2, और ब्रैकेट्स के अंदर 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y, 2 से ये 2 कैंसिल करिए, 10
यहाँ पर बन जाएगा 10 वर्स, ये आपका एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ओके। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो फॉर्म है वो टी टी इनवर्स थीटा है, कोई प्रिंसिपल ब्रांच से लेना नहीं है इसका, ये ऑलवेज टाइम थीटा या एक्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर बाहर आपका 10 है, 10 इनवर्स नहीं है, तो ऑलवेज टाइम 10 इनवर्स जो है वो 10 इनवर्स थीटा जो है वो आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। फॉर दैट इट विल बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको प्रूव नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेना है, इसको सॉल्व करना है हमें, ओके। तो बाय द डेफिनेशन हम साइन को ट्रांसफर करेंगे। कई बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर ना इसको सिंप्लीफाई करने लग जाते हैं और इक्वल टू वन प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सर ये तो क्वेश्चन प्रूव नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा इसमें सॉल्व वर्ड यूज हुआ है, तो सॉल्व का मीन्स जो भी इसमें वेरिएबल्स दिए होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम उनको फाइंड आउट करेंगे, और इसमें जो वेरिएबल दिया गया है वो क्या है हमारा एक्स, ओके। तो उसको कैसे कर रहे हैं, देखिए साइन को आप उधर ट्रांसफर करिए, साइन को जब हम ट्रांसफर करेंगे साइन बस 1/5 प्लस कॉसन बस एक्स इक्वल टू बस 1। तो राइट हैंड साइड में साइन बस 1/5 प्लस कॉसन बस एक्स 1 जो वैल्यू होती है वो साइन में पाई बाई 2। ये जो फॉर्म है आप ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म आपकी बन रही है, वैसे तो हम ट्रांसफर करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें ये जो फॉर्म हमारी बन रही है वो साइन बस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 की, यानी इन अदर वर्ड्स अगर हम एक्स के प्लेस पर 1/5 पुट कर देते हैं तो साइन वर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 पाई बाई 2 के ही इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर एज इट इज देखिए, तो एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका 1/5 यहाँ पर, ओके। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा था, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, ओके। आई थिंक अगर क्वेश्चंस अगर कम समझ में आए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखिएगा, खुद से जब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तब एक्चुअली आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगी कहाँ पर है, तब आप चीज़ों को सीख पाएंगे। आप सोचेंगे कि एक बार हमने वीडियो देख लिया और चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं, तो वो शायद मुझे लगता है कि काफ़ी नहीं होगा, इसको आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करना है, समझना है। इसके अलावा बुक्स में, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और रेफरेंस बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए थे, इन क्वेश्चंस को आप समझिए और इन क्वेश्चंस को समझने के बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में क्वेश्चन दिए गए उनको भी जो है वो आप सॉल्व करिए, तो आपके जो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ओके। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो यूएस क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल एक बना हुआ है, उस चैनल को आप जो है यूएस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आपको आगे भी वीडियो बनाते रहें और उसको नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू।